अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर्ड होगी, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल दे दूँ ताकि कि किस तरह से एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है, तो उसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको ये कहूं कि हमने अब तक जो कैपेसिटर को डिस्कस किया हुआ है, कैपेसिटर के बारे में हम जानते हैं, तो सिंपली हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस। मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में फर्ज करें कि हमारे पास एक वाटर डैम है। वाटर का जो डैम होता है, हम वाटर डैम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पर्पज क्या होता है? मोस्टली हम क्या करते हैं कि बारिश का पानी जो है वो डैम में स्टोर कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये पानी को स्टोर करने की एक जगह है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक डैम है, इस डैम के अंदर पानी को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। लेकिन इसका मकसद पानी को स्टोर करना नहीं है, इसका मकसद पानी को जमीन से थोड़ा हाइट पे स्टोर करना होता है। मतलब कुछ हाइट के ऊपर इस पानी को जो है वो स्टोर, ताकि इस पानी के अंदर कुछ एनर्जी हो। जब हम इस पानी को अलाउ करते हैं और नीचे टरबाइन पर ये पानी जाके जब पड़ता है, ये टरबाइन है आपके पास, जब हम इसको अलाउ करते हैं और ये नीचे टरबाइन पर जाके पड़ता है, तो उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि जब वो टरबाइन को हिट करता है, जब ये पानी इस टरबाइन को हिट करता है, तो टरबाइन जो है वो रोटेट करता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये जब टरबाइन को रोटेट करेगा तो इसके साथ ये जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी हिसाब से हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे हम दो प्लेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों इस वक्त जो हैं प्लेट्स वो क्या हैं, वो न्यूट्रल हैं। अब जब हम इनके साथ बैटरी अटैच करेंगे, इसके साथ क्या करना है, हमें बैटरी को अटैच करना है। अब बैटरी का काम क्या होगा, क्या करेगी इस प्लेट्स को, तो ये कनेक्शन एक हमारे पास एक बैटरी की यहाँ पे आ गई। तो ये एक प्लेट से, ये फर्ज करें इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो ये बैटरी का काम क्या होगा, बैटरी क्या करती है, ये एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के दूसरी प्लेट पे लेके जाएगी। मतलब यहां से ये उठा के इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे, दूसरी प्लेट पे इसको क्या करेगी, इसको ट्रांसफर करेगी। तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को ले गई, वहां तक पहुंचा दिया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगी, वहां तक पहुंचाएगी, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, यहाँ पे शॉर्टेज आ जाएगी, यहाँ पे कमी आ जाएगी। तो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन की कमी आने के बाद, तो वहां पे इसकी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके वहां पे जा रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उसकी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, यहाँ पे स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब इस बैटरी का जो असल काम है, तो यहाँ पे बैटरी का जो काम है वो चार्जेस को स्टोर करना है। उसका असल मकसद चार्ज स्टोर करके एनर्जी स्टोर करनी है। ये नहीं कि चार्ज स्टोर हो गए, तो चार्ज स्टोर होने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी इन प्लेट्स के अंदर क्या हो जाएगी, इन प्लेट्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को देखें किस तरह से, ये हमारे पास कनेक्शन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब ये इस बैटरी ने इसके ऊपर एक वर्क डन किया, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस कनेक्शन के थ्रू जाके दूसरी प्लेट तक ये आ जाए। ठीक है, अब बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर जब दूसरी प्लेट पे ले जाएगी, तो लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उठाकर जाएगी, तो दूसरी प्लेट, ये वाली प्लेट, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, वो इसके साथ रिपेल करेगा। इसका मतलब है बैटरी को थोड़ा ज्यादा वर्क डन करना होगा, ताकि इस प्लेट तक ये इसको स्टोर कर सके, इसको जाओ के इस पोजिशन पे लेके आए। तो वहां पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो यहाँ बैटरी को थोड़ा ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसी हिसाब से जैसे जैसे बैटरी
इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जाएगी तो उसे और ज्यादा वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उनको क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा। तो बैटरी का काम होना है तो बैटरी को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये स्प्लिट तक उसको पहुंचा दे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को जब यहां से मूव करके यहां पे लेके आ गए तो उसकी जगह पे, उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इसके अंदर वोल्ट मीटर को उसको कनेक्ट करूँ प्लेट्स के दरमियान, तो वहां पे मुझे जो वोल्टेज शो होगी वो 1 वोल्ट शो होगा। इसी हिसाब से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी 2 हो जाएंगे। इस हिसाब से फिर वोल्ट मीटर आपको क्या बताएगा, 2 वोल्ट बताएगा। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे आपकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 प्लेट्स हो गए, ये हमने इसको साथ बैटरी को कनेक्ट कर लिया। अब आप देखें ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बैटरी इसके ऊपर वर्क डन कर रही है। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इस पोजिशन से, इस प्लेट से लेके ये दूसरी प्लेट तक लेके जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्लेट जो थी वो न्यूट्रल थी, जब बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मूव करते, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इसकी जगह पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। इनके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, एक पॉजिटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इस प्लेट के ऊपर एक्सेस जो होगी ज्यादा वो नेगेटिव चार्जेस की होगी। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें वही कैपेसिटर डिवाइस व्हिच स्टोर द चार्जेस। दूसरी पॉइंट उसको ध्यान से देखें, इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर फर्ज करें कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपने पिछले टॉपिक में हमने एक बॉल को कंसिडर किया था जो जमीन पे पड़ा हुआ था। अब बॉल को अगर जमीन पे से उठा के उसको हाइट पे हम लेके जाएं तो बॉल खुद ब खुद तो ऊपर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है उसे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स की वजह से हमने इसके ऊपर वर्क डन करना होगा। जब वो किसी सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है बॉल, तो हम कहते हैं इस वर्क डन की वजह से उस बॉल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई वो एनर्जी कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो चार्जेस मूव करके जिसमें जा रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये स्टोर कर रहा है इन चार्जेस को, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, दूसरी पॉइंट में देखते हैं, द चार्ज ऑन द प्लेट पजेजेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हिच अराइजेस बिकॉज वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट्स। वर्क डन इसके ऊपर कौन कर रहा है, ये बैटरी इसके ऊपर वर्क डन कर रही है। तो चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए जाहिर सी बात है बैटरी में इतना पोटेंशियल होगा ताकि ये यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके यहां पे जाके इसको क्या करेगी, इसको डिपॉजिट करेगी। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज बीइंग डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। एक एक चार्ज को, एक एक इलेक्ट्रॉन को जब वो ऐसा ऐसा डिपॉजिट करेगी तो इसके दरमियान क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगी ऑफ चार्ज बीइंग डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। इंक्रीमेंट किसके अंदर होगी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे, तो पोटेंशियल ऐसा ऐसा क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। जैसे जैसे चार्जेस यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे एंड तो बैटरी इसके ऊपर क्या करना होगा, बैटरी को एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इसके ऊपर करना होगा, इस नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। जैसे जैसे 1 बाय 1 इस चार्ज को लेके आ रहा है, जाहिर सी बात है इसका वर्क डन और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। अब उस वर्क डन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसको कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे वही हमारे पास फिगर है, वही इसका इस पे कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द बैटरी एज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय पीई, इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू,
इन टू वी, ये हमने फार्मूला पहले हमने किसी कॉन्सेप्ट के अंदर टॉपिक के अंदर हमने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया है। तो यहाँ पे वी के साथ ए वी लगा दिया, ए वी का मतलब होता है एवरेज, इसका मतलब है पोटेंशियल का एवरेज। एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने शुरू में जब देखा था कि सबसे पहले हमारे पास जब हमने प्लेट्स को कंसिडर किया था तो वहां पे हमारे पास प्लेट्स जो थी वो न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल के हिसाब से वहां पे इसका जो पोटेंशियल था वो जीरो पोटेंशियल था। जैसे जैसे चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो गए, बैटरी ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को उठा के दूसरी प्लेट पर लेके आए, तो यहाँ पे एक नेगेटिव तो वहां पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल में क्या होगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते वो फाइनल तक पहुंच जाएगा। तो एवरेज का मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल, जब प्लेट्स न्यूट्रल थी तो वो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल था वो जीरो था, जब चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो गए तो वहां पे पोटेंशियल प्लस बी हो गया, यहाँ पे ये पोटेंशियल है। अब जब एवरेज मालूम करते हैं तो जितनी रीडिंग जितने भी हमारे पास होते हैं तो उसको उसी नंबर के साथ हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा एवरेज पोटेंशियल जो आएगा दैट इज बी अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, तो वी इसकी जगह पे यहाँ पे आपके पास जो एवरेज है इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना होगा, दैट इज बी अपॉन टू। यहाँ पे देखें आप, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बी अपॉन टू लिखें या क्यू वी अपॉन वन अपॉन टू करके लिखें, क्योंकि वन अपॉन टू पहले हमने लिख दिया है, क्यू है उसके साथ क्या है ये पोटेंशियल है, तो क्यू इंटू बी आपके पास होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ बात, आगे देखते हैं। बट वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, कैपेसिटेंस के अंदर हमने देखा था कि क्यू जो होता है इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस होती है, वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है क्यू, तो क्यू की जगह पे आपने क्या पुट करना होगा, सी वी पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पीई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्यू की जगह पे सी वी आ गया, उसके साथ क्या हो गया ये वी हमने सेम रख दिया। अब वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर टू का। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वहां पे जो बेस आपके पास है वो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल का स्क्वायर है। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, आगे नाउ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ पे तो पोटेंशियल को हमने देख लिया, अब हमने क्या करना है, नाउ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। वी नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई इंटू डी के इक्वल होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पहले से किया हुआ है। इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस की, इसका मीडियम, अगर कैपेसिटेंस किसी मीडियम के अंदर हो तो वो इक्वल होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये एरिया होती है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जब मीडियम होता है तो उसके अंदर ये यूज होता है, डी इसका डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान। अब इसी इक्वेशन नंबर टू में आपके पास सी भी है, सी का वैल्यू भी आपके पास आ गया, आपके पास बी भी है, बी का वैल्यू भी आ गया, तो इस इक्वेशन नंबर टू में आपने ये दोनों वैल्यू जो है वो पुट करने हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम के अंदर ये इक्वल होता है सी मीडियम इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू आपके पास क्या है ये, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी नाउ क्या हो गई वन अपॉन टू सी, सी की जगह पे क्या आ गया ए एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है वी स्क्वायर है, तो ये ई इंटू डी वी के बराबर है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा ई इंटू डी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर का करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप फोकस करें तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर जो है वो इस डी के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी आपके पास एक सिंगल डी बचेगा क्योंकि स्क्वायर है डी के साथ कैंसिल हो गया, तो वो सिंगल डी आपके पास क्या होगा, इस हिसाब से आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ई स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो, ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए मैं यहाँ पे लेके आ गया ए इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर था वो इस डिवाइड वाले डी के साथ कैंसिल हो गया।
अब आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो गई, 1/2 ई स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू डी। ए एरिया है, डी डिस्टेंस है। अगर एरिया को मैं देखूं तो एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो आप ये जाके देखें तो यहाँ पे वही फार्मूला हमने दोबारा से लिख दिया है। इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे एस ए इंटू डी एरिया इंटू डिस्टेंस इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट, क्योंकि क्यूबिक मीटर इसका यूनिट आ रहा है। तो मीटर क्यूब जो यूनिट होता है वो किसका होता है, वो वॉल्यूम को होता है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। इस ए और डी की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, वॉल्यूम आपने पुट कर लिया, दैट इज वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। 1/2 इंटेंसिटी का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू बी। अब बी यहाँ पे क्या है, ये बी आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। इस हिसाब से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, उन प्लेट्स का, दो प्लेट्स थी उनका वॉल्यूम, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका एनर्जी यहाँ पे ये एनर्जी किसके इक्वल है, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू बी। बी यहाँ पे क्या है, वो वॉल्यूम है प्लेट्स का, डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो ये वॉल्यूम ऊपर भी है, वॉल्यूम नीचे भी है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो ये वी आपका इस वी के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास क्वेश्चन क्या होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब ये ई जो है एक्चुअल में, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये एनर्जी है, ये वो एनर्जी जो है जो उस कैपेसिटर के अंदर क्या हो गई थी, स्टोर हो गई। कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इन कैपेसिटर करना है। तो ये आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में ये क्या है, ये एक एनर्जी है, इसको हमने एनर्जी का नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट भी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये भी एनर्जी है, यहाँ पे ये वाली चीज भी एनर्जी है, जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है एक्चुअल में क्या है, वो एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इक्वेशन वैलिड कहाँ पे होगी, फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उस सूरत में आपकी ये इक्वेशन वहां पे वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में आएंगे। थैंक यू।